से हमारा विधायक न्याय पेड योजना एवं विधायक निधि के माध्यम से इंदगढ़ बालक हाई स्कूल में 15 दिव्यांगों को मैट्रेड ड्राई साइकिल वितरण की। सेमड़ा विधायक कुमार घनश्याम सिंह ने आज सोमवार को इंदगढ़ बालक इंटर कॉलेज में दिव्यांगजनों को सामाजिक न्याय एवं विधायक निधि से दिव्यांगजनों को 15 बैटरी से चलने वाली एवं 115 साधारण साइकिल एवं यंत्र दिव्यांगजनों को वितरण किए। कार्यक्रम मुख्य अतिथि घनश्याम सिंह ने माँ सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष किरण बांके बिहारी शर्मा ने की। विधायक ने कहा कि हमें ईश्वर ने अगर दिव्यांग बनाया है तो हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे ईश्वर की नियति समझकर लगातार आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा इंदगढ़ मंडल अध्यक्ष राम लखन सिंह गोजन ने कहा कि केंद्र एवं शिवराज सरकार दिव्यांग जनों के प्रति हमेशा आगे रही है। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग से मधुर सेन, CMO महेंद्र सिंह यादव, कार्यक्रम का संचालन अवनीश गोस्वामी द्वारा किया गया, रघुनाथ काका पूर्व मंडल अध्यक्ष, सुजान सिंह रावत, रामबाबू शर्मा जिला कांग्रेस प्रवक्ता, जितेंद्र बुंदेला कांग्रेसी एवं BJP कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम किया, कितने लोगों को कितनी अभी तक ऐसे लोगों को? देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व सेवड़ा में शिविर लगा था, तो सेवड़ा तहसील और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बांटी थी, तो बैटरी चलित ट्राईसाइकिल वहाँ करीब 15-16 बटी थी और यहाँ भी आज 15 बांटी हैं। बाकी हाथ से चलने वाली परंपरागत जो ट्राईसाइकिल है वो तो बड़ी संख्या में शायद 150-200 वहाँ बटी थी और ऐसे ही करीब यहाँ है। और भी बहुत बड़ी मात्रा में और उपकरण बांटे जा रहे हैं, कान की मशीन, बैसाखियाँ और तमाम छड़ी वगैरह, चश्मे वगैरह, ये सब बांटे जा रहे हैं। भारत शासन की ये योजना है, उसके तहत हो रहा है। इसमें केवल बैटरी चलित साइकिल जो है उसकी कीमत क्योंकि थोड़ी ज़्यादा थी तो उसमें विधायकों से सहयोग के लिए कहा गया था, तो 12,000 रुपये प्रति ट्राई साइकिल मैंने अपनी विधायक निधि से स्वीकृत किया। तो सेवड़ा इंद्रगढ़ मिला के करीब 30 बैटरी वाली ट्राई साइकिल बांटी गई। इससे पहले लगभग एक साल या 2 साल पहले भी शिविर हुआ था, उसमें भी यही था, उसमें भी विधायक निधि से 12,000 रुपये प्रति ट्राई साइकिल मैंने दिए थे और आगे भी जो भी सहयोग होगा करते रहेंगे। शासन की अच्छी योजना है, दिव्यांगों को अपने पांव पर खड़े होने का अवसर मिले, वो ज़्यादा स्वस्थ और सक्रिय महसूस करें तो समाज में योगदान कर सकते हैं। मानवीय एक समस्या है, इसका निदान सबको मिलजुल कर करना चाहिए, कर रहे हैं। आज नगर परिषद इंदगढ़ शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय दतिया में शिविर का आयोजन किया गया है। चूंकि जो 30 जनवरी को इंदगढ़ परिषद में जो शिविर परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, उन सभी चिन्हांकित 125 कुल हितग्राहियों को आज वितरण सामान का किया जा रहा है, जिसमें कृत्रिम अंग हैं, उपकरण है, बैसाखी है, ट्राई साइकिल है, मोटरेट है। इसमें माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा भी 12,000 रुपये की राशि दी गई है, जिसकी सहायता से मोटरेट बैटरी चलित वाहन हमारे दिव्यांगजनों को प्रदाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत सरकार LMCO कंपनी द्वारा ट्राई साइकिल, बैसाखी और कान की मशीनें, इसके साथ ही अन्य आवश्यक उपकरण भी समस्त दिव्यांगजनों को प्रदाय किए जा रहे हैं और जो हमारे बीच उपस्थित हैं जिनकी पावती अपन लेके उनको सामान प्रदाय कर रहे हैं। धन्यवाद। टोटल 125 हितग्राही हैं, इसमें बैसाखी के भी हैं, कान की मशीनें हैं, मोटरेट है, सादा ट्राई साइकिल है, अन्य सभी आवश्यक उपकरण हैं। मेरी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको आज उपकरण नहीं मिल रहे और ये आए यहाँ आए हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद हमें मिल जाए, उनको